एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 14 मार्च 2024 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। डॉलर इंडेक्स अभी है 102.8। कल के दिन में हल्का सा एक सॉफ्ट माइल्ड नेगेटिव कैंडल देखा गया एंड जो अभी भी एक रेंज के अंदर में अटका हुआ है। रेंज बोले तो बेसिकली आपका यहाँ पे नीचे की तरफ 102.60 एंड ऊपर की तरफ 103.10 का। फिर भी नीचे की तरफ अगर जाना है तो 8 मार्च का जो पिन बार है इसके लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन एक अच्छा सा जबरदस्त डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है either it is going to be sideways or a slight pullback on the upward side. Upward side में भी फिर resistance आ जाएगा 103.50 के आसपास। GBP dollar कल के दिन में जो candle बनाया हुआ है वो है आपका एक small body doji candle, small body doji candle spinning top candle जो ये दिखा रहा है कि price rejections at both the two sides. So price दोनों साइड में रिजेक्शंस हुआ है। डेली RSI above 60 at 62.00। यहाँ पे हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए जो ये आपका 11 तारीख 12 तारीख एंड 13 तारीख का पूरा जो नेगेटिविटी है इसको पूरा का पूरा एनगल्फ करके ऊपर की क्लोज दे दे। जब तक ऐसा नहीं होता है प्राइस विल बी प्राइस मींस मार्केट विल बी इन द साइडवेज मूव एज फार एज द करेंसी पेयर जीबीपी डॉलर इज कंसर्न्ड। सो ओनली पॉजिटिविटी इज डेली आरएसआई अबव 60 ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60। सो इट्स इन बुलिश मोड। लेकिन ये बुलिश मोड का मोमेंटम तभी आएगा जब हमें इस टाइप का ग्रीन कैंडल मिलेगा। इस टाइप का ग्रीन कैंडल मिलेगा जो पूरा का पूरा नेगेटिविटी को एनगल्फ कर दे। क्या ये होता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर में भी सेम एनालिसिस। हमें इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो पूरा का पूरा नेगेटिविटी को सबका नेगेटिविटी 11 12 13 सबका नेगेटिविटी को एनगल्फ करके ऊपर चला जाए। इन सिर्फ यहाँ पे और एक चैलेंज है और एक चैलेंज ये है कि यहाँ पे इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस भी है। ये है आपका 106.60 से 106.90 के बीच में। इसको भी क्लियर करना है वन मोर। बट द पॉजिटिव थिंग इज आरएसआई अबव 60 है। यहाँ पे जब तक ये 60 के ऊपर रहता है कभी भी पॉजिटिव मूव आ सकते हैं। डॉलर यूरो डॉलर यूरो डॉलर जो है आपका करेंटली ट्रेडिंग एट 1.0945। यहाँ पर भी हमें सेम टाइप ऑफ एनालिसिस है। जब तक ये 8 मार्च के हाई के ऊपर क्लोज नहीं देते पूरा का पूरा एक्टिविटी को एनकास नहीं करते तो थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा। एक बार इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो जाते हैं देन द प्राइस मे मूव टूवर्ड्स 1.1100। यूरो आईएनआर इज सिमिलर इन दिस वन। यहाँ पे ये कल के दिन में एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है बट थोड़ा सा आपका प्राइस रिसेशन द अपर एंड। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा रेंज को क्लियर करना है। रेंज को क्लियर करेंगे तो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस हो सकता है ये वाला रेजिस्टेंस हो सकता है जो है आपका 91.30 लेवल। डॉलर येन करेंटली ट्रेडिंग एट 147.87। सो यहाँ पे छोटा स्मॉल बॉडी कैंडल्स मींस डोजी कैंडल्स बन रहा है। ऑल्दो हम इस इंतजार कर रहे हैं एक नेगेटिव कैंडल जो आपका 8 मार्च और 11 मार्च के लो के नीचे इस टाइप का एक फॉर्मेशंस कर दे तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न है। क्या कंसर्न है? डेली आरएसआई कहीं ये 40 में सपोर्ट लेके ऊपर ना चला जाए। इन सच केस इट इज गोइंग टू बी रेंज। ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर आरएसआई अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो डॉलर येन में एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन डेली पर्सपेक्टिव।
always the perspective will be in comparison to the time frame that we are discussing. Abhi aate hai JPY INR. JPY INR currently trading at your 56.00. यहाँ पे भी हमें इस टाइप के एनगल्फिंग कैंडल चाहिए अगर इसको एक अपवर्ड मोमेंटम करना है. Then is your dollar can be 1.3470. यहाँ पर भी सेम ये रेंज जो है रेंज के अभी थोड़ा सा तो इस रेंज के अंदर में जब तक है तब तक साइडवेज चॉपी बिहेवियर करेगा. एक बार रेंज क्लियर करने देते तब जाके कुछ बढ़िया सा मूव हो सकता है. और सी डॉलर में हमें इस टाइप का एक कैंडल चाहिए जो अभी तक हुआ नहीं है. इस टाइप का इस हाई के ऊपर क्लोज दे देगा, 8 मार्च के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देगा, तब जाके एक बढ़िया सा अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सीएनए 7.1820. सो वही आपका 7.23 एंड 7.17 के बीच में ही ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है. पीबीएसई इज हाईली एक्टिव हियर. देन इज कमिंग योर ब्रेंट क्रूड 87. ब्रेंट क्रूड इज 83.71. ये इमीडिएटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है 83.70 से 84.00. यहाँ पे एक इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है. हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है क्या क्या ये रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है या यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आता है, ये हमें देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप अगर ब्रॉडर चीजों को देखने का कोशिश करेंगे तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है. अब ऊपर की तरफ 83.70 से 84.00 और नीचे की तरफ 80.30 80.70 का. सो इस रेंज के अंदर में इसको एक जोन को क्लियर करना पड़ेगा तभी जाके एक ट्रेंडेड बढ़िया सा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूएस ट्रेंडेड 4.19 कल के दिन में एक वो अपवर्ड बायस देखा क्या कैंडल में. सो हमें अभी देखना है कि ये एट एनी केस ये सेंटर बैंड के ऊपर ही क्लोज ना दे, रेदर सेंटर बैंड के आसपास से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए तब जाके एक बढ़िया सा अपवर्ड हम एक्सपेक्ट डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूएस टू ईयर ट्रेजरी यहाँ पे हमें ये देखना था कि ये सेंटरमेंट के ऊपर क्लोज ना दे, लेकिन कल के दिन में ये सेंटरमेंट के ऊपर जाके क्लोज किया. सो हमारा जो कैलकुलेशन है नीचे की तरफ का थोड़ा सा अभी डैम्पन हुआ है. अभी हमें प्राइस को केयरफुली कंसीडर करना है. यहाँ पे वन मोर एस्पेक्ट इज RSI 60. ये एट एनी कॉस्ट RSI 60 के ऊपर क्लोज ना दे, रेदर रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ आ जाए. सो अभी लास्ट फाइनली डॉलर रुपी पार्ट में वही कंसोलिडेशन है. कल के दिन में थोड़ा सा आउटफ्लो था जिसके कारण डॉलर रुपी 82.90 तक ट्रेड हुआ था एंड बट आउटफ्लो एक बार खत्म हो गया था फिर दोबारा ये नीचे की तरफ आ रहा है. यहाँ पे एक मीन्स एक इवनिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटे रेंज में इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार करके कुछ फायदा नहीं है रहता यहाँ क्योंकि प्राइस रेंज के अंदर में फंसा है. सो जब तक रेंज में है तो रेंज में रहने देते हैं. सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना. आपको अच्छा लगा प्रेजेंटेशन, आपको अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.